मैं फकीर हूं, ना पकड़ लो पूंछ, मैं स्वयं सेवक हूं। बहनों भाइयों, मैं प्रधान सेवक हूं। अरे तू प्रधानमंत्री भी है, वो तो बन के दिखा। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि झुमका वही तो गिरा था, पकड़ लो पूंछ। बहनों भाइयों, मुझे आसाम बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चाय बड़ी कड़क है, पकड़ लो पूंछ। मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है। बहनों भाइयों, कि जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी कहते थे, बाल नरेंद्र जा पान लिया, ठोको ठोको ताली ठोको, ये प्रधानमंत्री है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके संविधान के लिए, छांबक साहब के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, अखंड भारत के लिए, जब मैच चलता है हिंदुस्तान का, कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, लेकिन जब मैच देखते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। इसलिए किसी का अधिकार नहीं है कि जात पात के नाम पे इस देश को बांटे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश को बांटे। इकट्ठे रहना मेरे भाइयों, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनेगी, और विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनेगी। दोनों हाथ खड़े करके गूंगे बहरे कानों तक आवाज पहुंचाओ, नरेंद्र भाई मोदी, तुम आए थे 2014 में गंगा के लाल बनके, और 2019 में जाओगे राफेल के दलाल बनके। ठोको ताली ठोको पिटाओ के ठोको, दलालियां करते हो। बीएसएनएल को मार दिया, और रिलायंस को 4G का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आगे आ जाओ, अंबानी और अडानियों के बन के रह गए। और वो दोनों गाना गा रहे हैं, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां का दरबान, अंबानी अडानी कैसे मिलेगा। ठोको ठोको ताली ठोको, पेट में खाना नहीं और योगा कराया जा रहा है। यू यू यू, इधर इधर इधर, जेब में पैसा नहीं और खाता खुलाया जा रहा है। ठोको ताली ठोको, पेट में खाना नहीं और योगा कराया जा रहा है, जेब में पैसा नहीं और खाता खुलाया जा रहा है। अरे खाने को खाना नहीं और शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ठोको ताली ठोको, सब कंपनियां विदेशी हैं और मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। और दिमाग में धर्म और जाति पे बांटने की गंदगी है और स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है। ये बांटने में माहिर है, देश की जड़ काटने में माहिर है, और गरीब के पेट पे लात मारने में माहिर है। इसलिए मैं फिर तुम्हें आह्वान दे रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की जीत पक्की है। यदि तुम इतना समझ जाओ कि मोदी यहां कर क्या रहा है, एक बाहर की पार्टी को लाके तुम्हारी वोट को बांटने के लिए खड़ा किया गया है, इस बात को समझ लेना। और यदि तुम बटे नहीं और एकजुट होके, एक मुठ होके तुमने अपनी वोट डाल दी, तो फिर समझ लेना कि जीत तुम्हारी पक्की है। और मैं दोनों हाथ खड़े करके एक आपसे वायदा चाहता हूं कि जिस दिन वोट डालने जाओगे, हिंदुस्तान को वोट डालने जाओगे, जिस दिन वोट डालने जाओगे, हिंदुस्तान के संविधान को वोट डालने जाओगे, जिस दिन वोट डालोगे, तो उन लोगों को वोट नहीं डालोगे जो हर वायदे से फिर गए। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, मैं आपको गंगा साफ करके दूंगा, मैं काला धन वापस लाऊंगा, मैं ब्लैक मनी को
गरीब की जेब में डालूंगा। अगर किसान 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है, अगर किसान 2 लाख का कर्जा लेता है और 2000 दे नहीं पाता, जेल में ठुकवाते हो, मुनियादी करवाते हो, और अंबानी ने अगर 1 लाख करोड़ रुपए इस देश के वापस ना दे, उसके जहाज में चढ़ के ट्रर करके झाटी लेते हैं। अमीरों के हो तुम, गरीब का क्या किया है तुमने? नरेंद्र भाई मोदी, तुमने 3,75,000 करोड़ रुपए इन अंबानियों को माफ कर दिए। पार्टियां दोनों कर्जे माफ कर रही हैं, तुमने अंबानियों के किए, और कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपए गरीब किसानों का माफ किया। यदि जीएसटी मुद्दा था, यदि नोटबंदी मुद्दा थी, तो तुम उन मुद्दों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है। ठोको ताली, मोदी जी की सेना पकड़ लो पूछ। अरे ये सेना हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की रहेगी रहते दम तक। नरेंद्र भाई मोदी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि यदि 365 वादों में से तुमने एक भी पूरा किया हो, तो आओ हिंदुस्तान के धरती पे किसी भी कोने में मेरे साथ बहस कर दो। यदि मैं हार गया तो राजनीति सदा के लिए छोड़ के चला जाऊं। मैं इसीलिए आज फिर आपको इतना ही आह्वान करता हूं, क्योंकि 4-4 रैली है मेरे पास। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कैंडिडेट के बारे में बात करूंगा। मैं जब जवान था, अभी भी जवान हूं, मैं जब जवान था छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। ये औरंगाबाद वाले मुझसे ज्यादा तकड़े हैं, ये ऐसा छक्का मारेंगे मोदी को औरंगाबाद की बाउंड्री के पार। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली ठोको। झांबड़ साहब याद रखना, ऐसा वोट डालना कि झांबड़ साहब झापड़ बन जाए ठाए करके विरोधियों के ऊपर। और मैं इतना मानता हूं कि अगर एमपी नहीं बनेगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और इस बार अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो राहुल गांधी बन सकता है, अगर कोई सेकुलरिज्म रख सकता है तो राहुल गांधी रख सकता है, यदि संविधान को महफूज रख सकता है तो राहुल गांधी रख सकता है। न मंदिर की बात हो, न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात हो, रोटी की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, न राम मिला न रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ बेरोजगार मिला। ठोको ताली, बात सच्ची कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सरकारी कंपनियां मार के मोदी, तुमने अंबानियों के साथ सुमड़ी में गुमड़ी कर ली। देश विरोधियों, तुमने सारी सरकारी कंपनियां मार दी। बीएसएनएल को 8,000 करोड़ के घाटे में धकेल दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2,000 करोड़ के फायदे से 4,000 करोड़ के घाटे में धकेल दिया, और सारे फायदे तुमने 1% इन बड़े पूंजीपतियों को दिए। मैं तुम्हें वचन देता हूं, और इस वचन पे खड़े रहेंगे, कि कोई गरीब, कोई किसान, कोई मजदूर जिसकी आमदन 10,000-20,000 से कम है, उसे 72,000 रुपया उसके घर पे बैठे मिलेगा। 72,000 रुपया, यह हमारा वादा है। 25 करोड़ गरीबों के साथ, यह राहुल गांधी का वादा है। मोदी ने जो कहा 364 वायदे, एक पूरा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था जिस दिन सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। 10 दिन तो क्या, 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ हुआ। चंपा के 10 फूल, चमेली की 1 कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की 1 घड़ी। ठोको ताली। अब मुझे जाना है, दोनों हाथ खड़े करके एक नारा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मेरे भाई जांबड़ साहब को जिताओगे कि नहीं जिताओगे?
मैं एक ही बात कहता हूं कि कौन कहता है कि वो परमात्मा सिर्फ मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा है, जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बन के तुम्हारे दिलों में तुम्हारे भीतर छुपा है। इसलिए मैं अपने अल्लाह, अपने वाहेगुरु, अपने नारायण को विनती करता हूं कि झंबर साहब को मांगना नहीं आता, इन्हें अपना बना लो, सुख दुख का सांझी बना लो। ठोको ताली। और फिर देखो कांग्रेस की मोटर चली, पम पम पम। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली ठोको। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी आया। हां जी हां जी हां जी बोलो। अरे मेरी बात सुनो, आपने बात कही है, ये संविधान जब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे तब बाबा साहब ने हिंदुस्तान का संविधान बना दिया था। मोदी जी को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। उनको लगता है, भक्तों को, कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, भक्तों ने और मोदी जी ने खोद के निकाला। 2000 मोदी जी से मोदी के भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, मोदी जी ने खोद के निकाला है। अरे जब तुम चड्डी में थे तब अंतरिक्ष में यान भेज दिया था चाचा नेहरू ने, और जब तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो IIM और IIT बन गए थे। सुई से लेके अंतरिक्ष यान तक कांग्रेस ने बनाया और तुमने क्या बनाया? चोर चौकीदार बनाया, क्या बनाया? चीन समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल पे जाकर जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक सेना बना रहा है, और हिंदुस्तान चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर चौकीदार। कभी किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा है? किसी गरीब दुकान के गरीब चौकीदार, किसी गरीब दुकानदार की दुकान के बाहर खड़ा देखा है? किसी किसान के घर के बाहर खड़ा देखा है? अरे जिन बिल्डिंगों के, अंबानियों और अडानियों की बिल्डिंगों के बाहर चौकीदार खड़े होते हैं, वहां गरीब का, किसान का, मजदूर का जाना वर्जित होता है। तो किस बात की चौकीदारी है तेरी?